जीनों को मजबूर एनडीआरएफ की टीम जो है सहायता कर रही है, हर घर तक जो है लोगों तक जहां तक पहुंच हो सके वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम सामग्री जो है ये ले कंटिन्यू जो है ये अभियान चलाया जा रहा है और एक एक कर लोगों को जो है उनके घर तक जो है पहुंचाया जा रहा है। वैसी स्थिति में जो लोग फंसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, उन तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक रेस्क्यू करके जो है एक परिवार को यहां से निकाला जा रहा है, एक लेडीज भी हैं उन्हें भी जो है यहां पर निकाला जा रहा है, अपने जानवर के साथ हैं। देखिए घर में जो है वो कुछ बचा नहीं होगा, इस कारण से जो है वो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और स्थिति जो है अभी भी देख सकते हैं पानी कितना नीचे है। ऊपर चढ़ने के लिए जो है उन्हें कुर्सी लगानी पड़ रही है, महिला है जो वो यहाँ से अपने घर से निकल के जा रहे हैं। चार दिन से फंसे हुए हैं, चार दिन से बत्ती नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है, बत्ती नहीं है। आंटी आप भी निकल रहे हैं परिवार के साथ निकल रहे हैं, क्या कहेंगे जो स्थिति बन गई थी, ऐसा कभी देखा कभी ऐसा कभी नहीं, ये तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखे हैं। हम अभी इतने साल के हो गए लेकिन कभी ऐसा नहीं देखे। और सबसे बड़ी बात है कि पानी बत्ती और जो एक प्रशासन का भी बहुत होना चाहिए वैसा बहुत नहीं मिल रहा है। हल्ला इतना हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल था कि रात भर हम लोग जाग करके बिताए हैं। स्थिति में काम कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी में क्या, अभी पानी जैसे कि कहीं गाड़ी खड़ी है कहीं कुछ खड़ी है, बड़ी सावधानी से जाना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की कितनी वोट अभी आप लोग ने अलग अलग जगहों पे अपनी अलग अलग है। राजेंद्र नगर में कितने, कल 18 के करीब में थे, आज क्या अभी यहाँ के बारे में हम बता पाएंगे आगे के बारे में? आप लोग कैसे लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो जिनको रेस्क्यू कर रहे हैं वो बीमार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी फर्स्ट है उन लोगों पर। राहत अभी जो भी अगर बाहर जाना चाह रहे हैं वो सब जा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। राहत की सामग्री भी आप लोगों तक दे रहे हैं, पानी हो ये हो, क्या कुछ एबिलिटी आप लोगों को कराई गई है उन लोगों तक पहुँचाने? जो कुछ भी है वो जिसकी जो जरूरत है जरूरत के अनुसार सबको दिया जा रहा है। जो बाढ़ राहत का सामग्री है जो भी लोग यहाँ पे हैं पहुँच ही नहीं पाते, हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं पाते, बहुत मदद मिल रहा है एनडीआरएफ की टीम से बहुत। चौथा दिन हो चुका है, खाने पीने की दिक्कत हो चुकी है, कैसे काम चलाया जा रहा है? बाढ़ राहत सामग्री सरकार के द्वारा जितना भी सामग्री मिल रहा है हम लोग के तहत पहुँच रहा है और हमको यहाँ तक लग रहा है कि धीरे धीरे जो है सभी लोग जो है इस सुविधा से निजात पा रहे हैं। पानी के करीब आप लोग? तकरीबन 12-15 फीट पानी है मेरे घर के पास। जो स्थिति है वो 12-15 फीट के करीब भी जो है पानी पहुंचेगी, जो मुख्य सड़क है वहाँ पे 5 फीट से ऊपर पानी है। अभी भी आप देख सकते हैं जो ये पूरा इलाका जो है ये पूरा डूबा हुआ है। लोग जो है इस मदद से जो है अपने घरों से निकल पा रहे हैं और जो कहा जा सकता है कि कहीं सुकून की जो कहा जाता है कि स्थिति से जीने के लिए अपने घरों से निकल के बाहर जा रहे हैं। इस समय कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ मैं गौतम गौंड, आशीष न्यूज पटना। पटना में राजेंद्र नगर में संकट अभी भी बरकरार है, इलाके में भारी जल जमाव है और